दोस्तों जो हम देसी चना खाते हैं, क्या देसी चना से सेहत में लाभ मिलता है? क्या देसी चना खाने से शरीर फूल जाता है? देसी चना क्यों खाना चाहिए? चना में क्या ऐसे पोषक तत्व तो शरीर के अंदर जो लाभदायक होते हैं? चना फायदेमंद होता है? क्या चना शरीर के अंदर इन्फेक्शन तो नहीं करता? क्या चना खाना सही है? दोस्तों आज इस हम टॉपिक पे चने के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों मेरा नाम है ब्रजेश और आप देख रहे हैं ग्लांस इंडिया चैनल। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और शेयर करते समय अपने दोस्तों को बताइएगा इस चैनल के बारे में। दोस्तों सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों चना आखिरकार शरीर के अंदर क्या क्या फायदे रहते हैं चने के, क्या क्या लाभ रहते हैं चने के, क्या क्या इससे हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से ऐसे चने से लाभ हैं, दोस्तों आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों चना का हम कई प्रकार से चना हम खाते हैं। जैसे हम चने को जो है सबसे पहले बताते हैं, जो चने को हम जो है उबाल के भी खाते हैं, चना हम रात को गला के भी खाते हैं अंकुरित करके, चना हम और दोस्तों चने को जो है चने की सब्जी बना के भी खाते हैं, और दोस्तों चने की नमकीन भी बना के खाते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है, शरीर के अंदर यदि हम देसी चना खाते हैं तो शरीर के अंदर विटामिन्स, एनीमिया या अन्य रोग बिल्कुल दूर से भाग जाएंगे। यदि हम चना खाते हैं तो शरीर के अंदर विटामिन्स की कमी नहीं होगी, शरीर के अंदर खून की कमी नहीं होगी, शरीर के अंदर पोषक तत्व मिलते रहेंगे और शरीर के अंदर प्रॉपरली डाइट मेंटेन रहेगी, शरीर के अंदर कब्जियत नहीं होगी। इस तरह की समस्याएं चना खाने से बहुत दूर हो जाती है। क्या है दोस्तों के जब आपने देखा है यदि हम चना प्रॉपरली लेते हैं तो शरीर का जो पाचन तंत्र है जो है बहुत तेजी से इम्प्रूवमेंट करने लगता है और हमारा शरीर के अंदर गैस की शिकायत खत्म हो जाती है। चना यदि हम लगातार खाते हैं तो शरीर के अंदर चने के जो उसके जो खाने के तरीके हैं बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट करते हैं। चना जो है हमारे शरीर के अंदर पाचन शक्ति को इम्प्रूवमेंट करता है, शरीर के अंदर पाचन शक्ति को इम्प्रूवमेंट करता है, शरीर के अंदर भूख बढ़ाता है, शरीर के अंदर बहुत लाभप्रद है चना। अच्छा चने के अंदर क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं, क्या क्या इससे लाभ मिलता है इसके बारे में भी बता रहे हैं। तो दोस्तों चने के अंदर सबसे ज्यादा जो भरपूर मात्रा में पाया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, कैल्शियम होता है और दोस्तों और कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम भी होता है और इसके साथ साथ भी दूसरे मिनरल्स भी मिल जाते हैं चने के अंदर। बताइए छोटा सा चना और काम कितना बड़ा, शरीर के अंदर कितना लाभप्रद रहता है। उसके साथ साथ जो है यदि हम अंकुरित चने भिगो के हम यदि रात को भिगो के हम अंकुरित चने खाते हैं तो उसके अंदर क्लोरोफिल, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के साथ साथ जो है फास्फोरस, पोटेशियम और मैग्नीशियम शरीर के अंदर विटामिन मिल जाता है। दोस्तों बताइए एक छोटे से चने को ही हम गला के खाते हैं तो ये मिल जाता है और नहीं गला के खाते हैं तो वो मिल जाता है, मतलब चना दोनों तरफ से बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों चना खाने से शरीर के अंदर एनीमिया मतलब खून की कमी होती ही नहीं है क्योंकि चने के अंदर आयरन होता है। चना यदि हम काला चना खाते हैं तो शरीर के अंदर एनीमिया की कमी दूर हो जाती है। दोस्तों शरीर के अंदर आयरन की कमी तो होती ही नहीं है। अच्छा शरीर मतलब चना खाने से और क्या लाभ मिलता है, चना खाने से दोस्तों एनर्जी मिलती है,
एनर्जी के साथ साथ क्या है, हमें यदि हम चना खाते हैं प्रॉपरली तो उससे हमें ऊर्जा मिलेगी, कमजोरी महसूस नहीं होगी, पेट हमारा खाली नहीं रहेगा, प्रॉपरली डाइट मिलती रहेगी। इससे क्या है, शरीर के अंदर हमारे ऊर्जावान महसूस करेंगे। और दोस्तों क्या है, जैसे यदि हम चना प्रॉपरली खाते हैं तो दोस्तों हमारे चेहरे का ग्लो करता है। यदि हम चना खाते हैं तो दोस्तों चेहरे का रंग बहुत बदलता है, बहुत तेजी से ग्लो करता है। यदि हम चना खाते हैं तो चेहरा हमारा निखरने लगता है और चेहरे के अंदर बहुत तेजस पैदा हो जाता है, बहुत तेजस पैदा हो जाता है, चेहरा चमकदार और बहुत खूबसूरत चेहरा हो जाता है। दोस्तों इसे ब्रेकफास्ट के साथ लिया जाए तो दोस्तों बहुत ही मजेदार, बहुत ही फायदेमंद होता है। दोस्तों चने के बारे में मैंने आपको काफी डिटेल सहित बता दिया दोस्तों, तो चना बहुत खाना चाहिए। चने के कई प्रकार से खा सकते हैं, भूज के भी खा सकते हैं, कच्चा भी खा, मतलब कच्चे का मतलब यह है पानी में अंकुरित करके खा सकते हैं, नमकीन बना के भी खा सकते हैं दोस्तों, और उबाल के भी खा सकते हैं, कैसे भी खा सकते हैं। चना खाते रहिए, हष्ट पुष्ट रहिए दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।